नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस आखिरकार खत्म हो चुका है। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी गई है। विधाननगर से जीतकर आई दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। दूसरी डिप्टी सीएम के तौर पर दूदू से विधायक बनकर आए प्रेमचंद बैरवा को चुना गया है। वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा के स्पीकर का पद दिया गया है। उन्होंने इस सीट से कांग्रेस के महेंद्र सिंह को भारी मतों से हराया था। महाराष्ट्र पुलिस ने रायगढ़ जिले में ड्रग्स की दो अलग अलग बड़ी खेप बरामद की है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 325 करोड़ आंकी गई है। सीबीएसई बोर्ड की ओर से जारी डेटशीट के अनुसार पहले दिन यानी कि 15 फरवरी 2023 को एंटरप्रेन्योरशिप की परीक्षा आयोजित की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस स्टेशन में आत्मघाती हमला हुआ। हमले में कई लोगों की जान जा चुकी और मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा काशी के वृंदावन पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित कराएंगे। काशी का भूमिका हमेशा से ही धार्मिक कार्यों में अहम रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने के साथ ही मोहन यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं। वह ट्रेंड के मामले में टॉप 10 में 7वें नंबर पर रहे। उद्धव गुट के सांसद और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक लेख लिखा गया था। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बुधवार को नई सरकार बनाने जा रही है। इसके लिए बुधवार 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। उत्तर भारत के किसान एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में लग गए हैं। 18 किसान संगठनों के नेता सोमवार को चंडीगढ़ में इकट्ठा हो रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के नाम पर चल रही फर्जी निवेश स्कीम को लेकर बैंक की ओर से सावधान किया गया है। साथ ही किसी भी ऐसे विज्ञापन से दूर रहने की सलाह दी गई। वियतनाम ने जापान और अमेरिका जैसे देशों से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है। जापान और अमेरिका पहले से ही क्वाड के संगठनों में हैं, जो चीन विरोधी माना जाता है। अंडर 19 एशिया कप में टीम इंडिया ने अपने तीसरे मैच में नेपाल के खिलाफ 10 विकेट से जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही उनका सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो गया है। तो ये थी आज की कुछ तमाम बड़ी खबरें। इसी के साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।